अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहटा में मां मैटरनिटी सेवा सहायक क्लिनिक, 2400 घंटे इमरजेंसी सेवा की सुविधा, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, बांझ महिलाओं को संतान सुख देने में ख्याति प्राप्त कर चुकी डॉक्टर रसिका सहाय, रेफरल अस्पताल मेन गेट मंदिर के पास, बिहटा मेन ब्रांच पटना। नवादा में न्याय की गुहार लगा रही महिला, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है पीड़ित महिला और दो बच्चे। मामला बुंदेलखंड थाना क्षेत्र की है, जहां राजेश सिंह की पत्नी संजू देवी और दो बच्चे को चचेरी बहन और बहनोई मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। पीड़ित महिला संजू देवी न्याय के लिए दर दर भटक कर गुहार लगा रही है। यहाँ तक कि थाने में आवेदन भी पीड़ित महिला का नहीं लिया गया और तो और थाने से डांट फटकार कर बाहर भगा दिया गया है। अब ये पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजू देवी। कहाँ घर है? घर बुंदेलखंड थाना। पति क्या नाम है? राजेश सिंह। क्या हुआ मामला बताइए। मारपीट करता है बार बार और कहता है घर से बाहर निकाल देंगे। क्या कहता है? चचेरा नंदोसी ननद उसका बाल बच्चा सब मिल के। काहे के लिए? काहे के लिए माने घर पे पानी उनी फेंक देता है, अभी बर्तन बर्तन सब बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छा, तो पति आपका क्या करते हैं? पति की घड़ी के दुकान में रहते हैं। कहाँ? संकट मोचन की तरफ रहते हैं। पति ऐसा नहीं किए हैं? पति नहीं किए हैं। पति को भी अगर कोई चीज में सपोर्ट मेरा करते हैं तो बोलते पति को भी मरवा देंगे। अब मेरा ससुर एकदम बूढ़ा है तो उसको भी बोलते कि बूढ़ा का क्या करेगा, सास ससुर क्या करेगा, इसका पति तो ऐसी एक लीवर के आदमी है। क्या करता है ऐसे? मेरा चचेरा नंदोसी नाना था उसका बाल बच्चा। अपना घर है ना? हाँ अपना घर है। तो अभी थाना गए थे? बुंदेलखंड थाना गए थे। क्या बोले? वहाँ हम ही लोग के डांट उठ के भगा दिया, बोला दूल्हा पर तुझको भी मारे, घर से निकलो तुम लोग, हम ही लोग के घर से निकाल। अभी आप किसके यहाँ मिलने आए? अभी हम गए थे वहाँ महिला थाना में। महिला थाना ली केस? न, वहाँ मैडम जी नहीं थी। यहाँ किसके पास आए? यहाँ आए थे एसपी साहब से। मिले एसपी साहब? एसपी साहब नहीं मिले। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराने घुटना दर्द, कमर दर्द, पुराना बवासीर, जॉन्टिस का सर्दिया इलाज, महिलाओं को लिकोरिया, मासिक खराबी, जीभ का अल्सर होगा देखते ही देखते गायब, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं का होगा बीमारियों पर वार।